hello welcome to a new video on park Nassi's diary that is a genetic disorder named harlequin ichiosis harlequin ichiosis is a severe disorder that affect the skin and fed with this condition are born prematurely with very hard thick skin over the most of their bodies हार्लिक्विन इचियोजिस ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कि जिसमें बच्चा जो है वो अपनी मदद से पहले उसकी पैदाइश हो जाती है मतलब थर्टी सेवन वीक से पहले वो पैदा हो जाते हैं नॉर्मली बच्चे जो है वो थर्टी सेवन से फोर्टी टू या फोर्टी के बीच उनकी बर्थ हो जाती है लेकिन इसमें जो है थर्टी सेवन से पहले और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर में जिसमें स्किन जो है वो क्या हो जाता है इफेक्ट हो जाता है सारी बॉडी की स्किन द स्किन फॉर्म्स लार्ज डायमंड शेप आर बाय डीप क्रेक्स या फिशर्स स्किन जो है ये डायमंड शेप का होता है सही है और ये फिर जो है इसमें क्रैक्स होते हैं हार्ड होता है डायमंड शेप की तरह प्लेट्स होते हैं और फिर इसमें क्रैक्स होते हैं these skin abnormality affect shape of the eyelid nose mouth ears and limit movement of the arms and legs और ये जो skin abnormalities है ये जो skin folds है ये आपकी eyelid की shift को आपकी nose, mouth और ear इनको affect करते हैं आपकी eyelid जो है वो क्लोज नहीं होगी आपकी लिप्स की मूवमेंट नहीं होगी आपकी नोज जो है वो हार्ड सा होगा और आप लेग और आर्म्स जो है उसकी मूवमेंट नहीं कर सकते प्रॉपर आई मीन किट विद दिस डिसऑर्डर। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द चेस्ट कैन लीड टू ब्रीथिंग डिफिकल्टीज उसकी चेस्ट मसल जो है उसकी चेस्ट जो है वो टाइटन है तो वो मूव नहीं कर सकता तो मूव नहीं होगा तो उसकी ब्रीथिंग में मसले होंगे डिफ़िकल्टीज होंगी रिस्पायरेटरी फेलियर इन बेबी विदा लेकिन एचोसिस रिस्पायरेटरी फेलियर इस वजह से होगी कि उसकी जो चेस्ट है वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर सकता इफेक्ट इन्फेंट आल्सो है फीडिंग प्रॉब्लम्स उसकी फीडिंग प्रॉब्लम्स भी होगी लाइक like, उसकी जो लिप्स है वो बिल्कुल हार्ड और इनफ्लेम्ड है सो फीडिंग मसली भी उनको हो सकते है रिस्पेरेटरी और फीडिंग साथ में उसके आइज़ ओपन नहीं होंगे ईयर्स नोज़ ये सारे उसकी क्या है हार्ड है। इसकी वजूहत क्या है काजिज क्या है वट इज़ द काजिस रिसेसिव इसकी कॉजिस जो है पेरेंट्स में से उनकी जो मादर है वो रिसिव होती है उनको होती है लेकिन वो कैरियर होता है अगर पेरेंट्स में से दोनों जो है वो हार्लिक्विन की कैरियर है तो चांसेस पच्चीस परसेंट है कि उसका बच्चा जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो अब आते हैं इसकी सिम्टम्स पे सिम्टम्स इसकी मैंने ऊपर भी आपको बताएं कि सिम्टम इसकी जो है वो वेरी थिक स्किन विच साइन सिम्टम वेरी थिक स्किन विच क्रेक्स स्किन में जो है uh, मैंने ऊपर भी बताया कि उसमें जो है डायमंड शेड प्लेट्स होते हैं और उसमें क्रेक्स होते हैं और एबनॉर्मल फी फीचर्स उसका फी फीचर जो है वो भी एबनॉर्मल होगा और इसके जो साइन uh, सिम्टम्स है उसकी फिर कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर इसका जो स्किन जो है वो डायमंड प्लेट शेप का है और उसमें करेक्स से फिर उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है मैं पेड़ रिपीट कर रहा हूँ पर भी मैंने उसका ज़िक्र कर दिया ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसकी जो चेस्ट है उसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा वो हार्ड है वहाँ पे जो स्किन है इन्फेक्शन होगा क्योंकि वहाँ पे फीचर्स बने हुए हैं प्रॉब्लम विद बॉडी टेम्परेचर बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रहे हैं तो वो कोल्ड होगा उसका बॉडी टेम्परेचर जो है डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन फॉर्मेशन जिस तरह उसका स्किन का बना हुआ है अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे इसके ट्रीटमेंट जो है वो सपोर्टिव केयर है उसको सपोर्ट करेंगे मोइच्चराइज क्रीम लगाएंगे मेडिकेशन में एंटीबायोटिक और एंट्रीट और रिटिनोइड्स ये मेडिकेशन इसको जो है वो प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा इसकी प्रोग्नोसिस का जिक्र करते हैं कि ये जो है ये जो डिसऑर्डर है ये ठीक हो सकता है आया कि नहीं ठीक हो सकता डेथ इन द फर्स्ट मंथ इज़ रिलेटिवली कॉमन आफ्टर बर्थ फर्स्ट मंथ में उनका डेथ जो है ये एक आ, मतलब ज़्यादातर मोस्टली फर्स्ट मंथ में ही इनका डेथ हो जाता है अब आते हैं कि हार्लिक्विन इचोसिस को डायग्नोस कैसे करेंगे इसकी तशखीस कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन अपेयर इन जेनेटिक टेस्टिंग जैसे इनका बर्थ हो जाता है तो इनकी फेशियल फीचर्स और इनकी जो अपेयरेंस है उससे पता चल जाता है कि ये हार्लिक्विन इचोसिस का बेबी है और इसके अलावा आप इसको जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इनको आप जेनेटिक टेस्ट के ज़रिए इनको आप क्या कर सकते हैं डायग्नोस कर सकते हैं इसके अलावा इस डिज़ीज़ के और कौन से नेम हैं हार्लिक्विन इचियोस ये ठीक हो गया इचियोस फेटेलिस, केरोटोसिस फेटेलिस हार्लिक्विन फीटस इचस कॉन्चिनेटा ग्रेवियो ये इनकी जो है वो नाम है इन नामों से भी ये डिजीज पुकारा जाता है तो ये था सारा हालिक्विन इचोसिस के लिए लेक्चर हालिक्विन इचोसिस हमने ज़िक्र किया कि ये एक जीनेटिक डिसडर है और ये जो है आ, आ, Uh, बीबी की जो स्किन है उनको जो है वो इन्फेक्ट करते हैं आ, इफेक्ट करते हैं और इस डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर की जो बीबी से वो आलमोस्ट प्रीमेचोरली उनका बर्थ हो जाता है मतलब थर्टी सेवन वीक से पहले उनका बर्थ हो जाता है और इनमें जो है इनका पेरेंट्स किस तरह होता है ये उनकी जो है वो गोल्ड डायमंड शेप जो है सॉरी डायमंड शेप उनका जो है प्लेट्स मतलब होते हैं फिर उनमें क्रेक्स हो जाते हैं स्किन में फिर ये स्किन जो है वो आपके आई लाइट माउथ ईयर इनकी जो है वो क्या करते हैं नॉर्मल जो फंक्शन है उनको डिस्टर्ब करते हैं मतलब आई की आई की मूवमेंट नहीं होगा तो आई ओपनिंग होगी जो है फीडिंग नहीं कर सकते क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लिप्स वहाँ पे जो है वो हार्ड है आम लेग मूवमेंट नहीं कर सकता उनका टेम्परेचर जो है वो हर टाइम कम होगा उनका जो है चेस्ट टाइटन होगा तो ब्रीथिंग इशू हो सकते हैं इसके अलावा स्किन फॉर्मेशन की वजह से उनकी आ, जो है डिहाइड्रेशन तो ये सारे इनकी जो है वो इलामत हैं फिर हमने पढ़ा इनकी नेम्स और ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उनकी मॉइस्चराइज क्रीम वगैरह लगाते हैं फिर आए हम कि ये आया ये बीमारी ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती इनकी प्रोग्नोसिस पे तो अमूमन इन ये इस तरह बच्चे जो है उनका फर्स्ट ही मंथ में डेथ हो जाता है थैंक यू सो मच ये सारा था हर्लिक्विन स्टे विद पार्क डायरीज़ फॉर मोर वीडियोज